वेलकम टू M60 लॉक। सर आज अपन वर्कअप पूरा वर्कअप होणार आहे, तर जाऊया आपला गणेशजीला आणायला। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा सभी के लिए। तो हम जा रहे गणेश भूषण भैया के घर। हमने बोला था उनको कल चलना करके, पर हम दो है अभी, हम तो जा नहीं सकते तीन। हमें गणेश जी को भी लाना है, तो हम उनसे मिलके चले जाएंगे। उनके घर का भी सदर देख लेंगे कैसा है। तो चलो, आ गया उनका घर, तो मिलते हैं भाई उनको। भूषण कुठे गेला? मार्केटात गेला का? तो मित्रांनो, भूषण तर घरी नाही आहे, आपण म्हणजे आपल्या कामावर नाही, गणपतीला। निक्या भाई जा रे गणपतीला आणे, गणपतीला आपला सोबती गणेश। तो फ्रेंड्स, हमारा दोस्त मिला था, उसके घर रुके थे हम। तो फ्रेंड्स, जो भी वर्धा से हमारे वीडियो देख रहे हो उनको बताना चाहूँगा, तो हम चिखलदरा की ट्रिप निकालने वाले हैं, वो 4 दिन की रहेगी, और वहाँ पे हम कैंपिंग भी करने वाले हैं। तो जो ज्वाइन होना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है MTMoney001। तो वहाँ जाके मेरा, मैं लिंक में भी दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में मेरी ID दे दूँगा। तो जिनको भी हमारे साथ आना है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जिनको आना है पर उनके पास बाइक होना चाहिए, उनका एक दोस्त भी आ सकते हैं उनके साथ, तो मैसेज करना दोस्तों। हम बताएंगे कब जाना है, तो 20 तारीख के पहले ही जाना है। तो मित्रांनो, आपण फक्त पहिले गणपतीचे पैसे द्यायला चाहता है, जे पहिले ॲडव्हान्स 100 रुपये दिला होता, त्याच्यानंतर 1100 रुपये द्यायचे होते। तर ते आधी देऊन देऊ, नंतर मग आपल्याला मार्केटमध्ये जरा काम आहे, तर ते काम करून आपण गणेशजीला घेऊन आपल्या घरी निघूया। आहे हे इकडं तर या दुकान नवीन लागले, गाडी लावायची कुठं? यार गाडी लावायला जागा नाही आहे इथलं, सध्याची लावून देऊ इथं समोर। तर आपण मित्रांनो, मित्र म्हणे त्याचं थोडं प्रॉब्लेम झालं, घरून 1500 मागितले पण घरात काही नाही दिले, 1200 गावातला 1500 दिले असेल। तर आता घरी जाऊन 500 आणणार। सध्या मग मी मित्रासोबत बोललो की तो म्हणे सध्याचे 600 रुपये द्या, म्हणजे मग 500 रुपये घरी आणून देतो। तर तसं होऊ शकते, आपण मोठी घरी घेऊनच जाऊ, नंतर मित्राला 500 रुपये आणून द्यायचे आपल्याला। तर आता आपण चालू मार्केटात, मग मार्केटातून आल्यावर आपल्याला तिथं रिटर्न जायचं आहे, तिथून आपल्याला गणपती घ्या। मित्रांनो, किती गर्दी आहे, हवा तर पुढच्या वेळेस आपण बैलबंडी घेऊन येऊ रे। तर मित्रांनो, आपलं एक काम झालेलं आहे, आता दुसरं, मग नंतर आपल्या गणपतीला घ्यायला जायचं आहे, मग घरी। मित्रांनो, बँक तर आहे बंद, चलो निकलते भाई लोक। यार तिकडून तर गर्दी असं, आपण इकडून गणेशजी राहिले आपले, आपण गाडी इथंच लावून देऊ यार। तर मित्रांनो, आपल्या मित्राला आले टाईम आहे, तो बाहेर गेला आहे, तोपर्यंत आपण घुमूया।
लोग हमारे दोस्त भी आए हैं गणपती लेने। चांगला है ना परवडला ना बिलकुल। मी काय कौन नाही आला मग आपण सांगितलं नाही भाई तुम्ही। अरे यार मी का माहित कोणाकडे गणपती बघतो ये ना मित्र काही लाजते। अरे अरे या भाऊले लाजते रे यार। ठीक आहे ना आपण बघू शकता मित्रांनो कसे सुंदर सुंदर गणपती आहेत। ही आहे साई मंदिरच्या रोडवर मित्रांनो। तुम्ही वर्धेतले असेल आता यार दिवस तर गेला आता तर नाही येऊ शकणार। तर मित्रांनो शाळेतले मित्र भी भेटून आले आपले। शूट बना रहे लोग वर्धा के यूट्यूबर्स मिल गए थे हमारा अभी मीटअप हुआ है। इनके भी यूट्यूबर है नाम बताइए सर। नाम बताओ। तो मेरे चैनल का नाम आदित्य वाटकर ब्लॉग्स है और मैं अपने लाइफ के ऊपर ही ब्लॉग बनाता हूँ तो आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और ये भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू भैया। और इनका भी है तो भैया जी हम है कौस्तुभ और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टोरी बॉय। तो आज भी एक नया ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द तो आई गेस 1 बजे तक आ जाएगा तो मिलते हैं बहुत जल्दी। तो दोस्तों आगे का शूट करते हैं। इन सर का यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद। तो भाई हम इन्हों से अभी हमारे मुशक राज लिए हैं। क्या नाम है बेटा? सिंगम। सिंगम का पिक्चर देखा है आपने? देखा। अच्छा लगता है यार। अच्छा भाई इनको भी एक लाइक चाहिए कर दें। चल छोटे आते। तो मित्रांनो आपण आपला गणेश जी को लिया है। हाँ। हमने अपने गणेश जी ले लिए हैं। यार साइड से पीछे लगाई थी क्या गाड़ी अपने? गाड़ी अरे इकड़े लावली इकड़े लावली। यार हम हमारी गाड़ी कहाँ पे रखी थी हम ही भूल गए थे अभी। तो चलो दोस्तों अपनी सवारी इधर हमारे गणेश जी उधर अभी गाड़ी निकालते और निकलते। तर मित्रांनो आपण आपला गणपती घेतला आहे आता आपण निघूया। बहुत अच्छा लगता है यार जब वर्धा के यूट्यूबर्स मिलते हैं और नए सब्सक्राइबर्स भी मिल गए तो धन्यवाद सर को फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से। तो चलते सर के चैनल का भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो उनको भी सब्सक्राइब कर देना भाई लोग दोनों को। और लगे तो आप बोलेंगे तो आगे से हम कुछ लॉग साथ में भी करेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं घर। तो दोस्तों आज मेरे घर में भजन भी है तो उसका भी मैं वीडियो सेपरेट वीडियो डालूंगा। मैं लॉग में तो नहीं डालूंगा पर सेपरेट वीडियो में डालूंगा आपको जिनको भजन सुनना अच्छा लगता है। इस साल बहुत जल्दी मतलब जिस दिन गणेश जी घर आते हैं उसी दिन मेरे दादी जी ने भजन रखा है क्योंकि पूरे गांव में सब ऑर्डर्स दे देते हैं और हमारे घर बहुत लेट भजन होता है इसलिए इस साल जल्दी कर लेंगे मतलब आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। मुझे लगता है शायद से मैंने कमेंट सेटिंग बंद कर रखी है इसलिए मेरा दोस्त है उसको करना आता है यार उसको यूट्यूब का बहुत पता है उसका भी चैनल है जिनको पढ़ाई आती है पढ़ाई में थोड़ी ये होती है प्रॉब्लम
तो मेरा दोस्त पीयूष खंडाल है, उसका चैनल क्या है भाई? टी सीरीज एजुकेशन का एक चैनल है, तो उनको भी सब्सक्राइब कर दो। तो जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है वो वीडियो उनके चैनल पे वो सारे वीडियोज है जो पढ़ाई में आपको डिफिकल्ट रखते हैं, उसके सुझाव देते हैं, तो उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये गणपति जी का जो उत्सव है, जब जैसे हम गणेश जी की मूर्ति लेकर घर पे बिठाते हैं, तो ये दिखाने के लिए नहीं बिठाते, श्रद्धा रहती। तो खरीदने में मतलब ऐसा मत सोचो कि महंगा है छोटा है, ये आपको सिर्फ गणेश जी को घर लाना है, तो गणेश जी का मूर्ति कैसी भी हो वो गणेश जी है। प्राइस में चढ़ उतार मत कर किया करो, क्योंकि भगवान के ऊपर मतलब बेचते ऐसा कुछ होता है ना, तो भगवान के ऊपर मतलब भगवान जी की मूर्ति जब लेते हैं तो भावबाजी मत किया करो। यही मन बहुत से लोग भावबाजी करते हैं, तो मैं उनको ऐसे विनती करता हूँ कि वो भावबाजी मत करें, क्योंकि वो भगवान जी की मूर्ति है, भगवान के साथ भावबाजी कौन करता है यार। मैंने अभी तक बहुत से मतलब जब हम गए थे उधर वीडियो शूट के, तो बहुत से लोग भावबाजी नहीं चाहिए ऐसे ऐसे करके बहुत ये कर रहे थे, इसलिए बोला मैं आपको बता दूं। पर अभी ही गए पर भावबाजी करना बहुत ये होता है। मेरे दोस्त को डर लग रहा है मैं तेज चलूँगा तो गिर जाएगा पीछे से। हमारे गांव का जो रोड है पूरा गंदा है यार, इंटरनेशनल हाईवे है रे। तो हम जाते जाते दिखाएंगे, क्योंकि हम तो घर से आते आते वीडियो निकालते नहीं, क्योंकि वो मैं दिखाना नहीं चाहता। कुछ होता है घर दिखा दिया, समझो आपस में कभी मिल गए, मतलब ऐसे नहीं मिले प्यार से नहीं मिलो, कभी झगड़ा बिगड़ा हो गया, गलती हमारी नहीं होती पर तो समझ लो हो गई, तो मेरे वीडियो देख के यार वो मेरे घर तक आ जाएंगे। इसलिए तो मैं तो वीडियो घर तक तो नहीं निकालूंगा, पर हमारे जो गांव का रोड है वो मैं दिखा दूंगा, और गांव का नाम भी नहीं बताऊंगा मैं। हाँ तो मैं गांव का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे सेफ्टी के लिए अच्छा है यार, डर लगा रहता है ऐसा कुछ होगा यार। हम वीडियो बनाते हैं अच्छे के लिए, जिनको घूमना उमना पसंद है, नेचर से मिलना पसंद है, तो उनके लिए मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। और मैंने बहुत से व्लॉग में देखा है यार, वो गलती उनकी नहीं रहती, गलती आगे वाले की रहती, फिर भी ब्लेम करते, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मेरे फेवरेट यूट्यूबर है यस्त्री के लॉग, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली है, तो उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। उनके व्लॉग भी आते हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, उनका चैनल है एस के व्लॉग, तो उनके भी वीडियो देख सकते हो। क्या था रहा? हाँ बहुत जोर से भूख लगी यार, पर हमारा है उपवास, तो हम तो कुछ खा नहीं सकते, नाश्ता तो कुछ कर नहीं सकते। ये है शांति नगर और यही है हमारे गांव का रोड आगे तक, अभी ये रोड बन रहा है, सीमेंट रोड बन रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का रोड, देख सकते हो कितना गंदा है, मतलब उखला उखला है, क्योंकि ये रोड बन रहा है अभी, इधर से हमें संभाल के लेके जाना है। अभी वीडियो तो नहीं निकाल सकता क्योंकि पूरा मोबाइल हिल जाएगा यार। तो दोस्तों अभी लॉक को करते इधर एंड, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, आप सपोर्ट नहीं करते चैनल को, सब्सक्राइब करो, और जिन व्लॉगर्स की मैंने अभी लिंक दी है नीचे उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए, वो मुझसे सीनियर यूट्यूबर्स है। तो थैंक यू भाई, लोग निकलते हैं आगे, अगले व्लॉग में मिलेंगे, चलो बाय।